हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमें घर में रोज़ हिप ऑयल हम कैसे बना सकते हैं। तो रोज़ हिप ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा रोज़ हिप। रोज़ हिप कहते किसे हैं, ये देखिए। जब गुलाब का फूल उगता है उसके बाद जब वो पूरी तरह खिल के झड़ जाता है तो उसका जो ये निचला हिस्सा होता है इसको रोज़ हिप कहते हैं। और रोज़ हिप वो ज़्यादा अच्छे होते हैं जो काफ़ी दिन तक पेड़ पर लगे रहते हैं और थोड़ा सा उनका शेड ऑरेंज होने लग जाता है। जैसे इसका देखिए आप, ये थोड़ा सा आपको ऑरेंजी शेड दिख रहा होगा, तो ये इसका मतलब है ये पकने लग गया है। तो इससे जब हम रोज़ हिप ऑयल बनाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। तो इनको हम तोड़ लेते हैं। तो रोज़ हिप ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए रोज़ हिप, जो अभी अभी हमने अपने गार्डन से कलेक्ट किए हैं। इसमें से सबसे परफेक्ट वाला ये है क्योंकि ये थोड़ा सा ऑरेंज हो गया है, यानी कि ये काफ़ी दिन से पेड़ पे लगा हुआ था गुलाब के और ये पक गया है। इसके बीज जो होंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे। और हमें चाहिए एक ग्लास बॉटल ऑयल बनाने के लिए, और हमें चाहिए एक ये जो इमाम दस्ता होता है उसमें जो ये कूटने का होता है उसका ये हमें रखना है क्योंकि हमें रोज़ हिप्स को इनको तोड़ना पड़ेगा। और हमें चाहिए एक कैरियर ऑयल जिसमें हम ऑयल बनाएंगे। आप चाहें कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि नारियल का तेल, बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है। और हमें चाहिए होगी इस तरीके की पॉलिथिन। चलिए अब इन रोज़ हिप के ऊपर लगी हुई इन पत्तियों को हम साफ़ कर देते हैं। दोस्तों, ये जो रोज़ हिप होता है इसको हमें कभी भी ना काटना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो आपको ये रेशे दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल कांटे की तरह आपकी उंगलियों में गड़ जाएंगे और निकालने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत इरिटेशन होने लग जाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे किसी पॉलीथीन में भर लीजिए और इन्हें किसी भी मूसल से या किसी भी पत्थर से, जो भी भारी चीज़ जिससे आप अपने घर में चटनी वगैरह पीसते हैं उससे आप इसे तोड़ लीजिए। और उसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है रोज़ हिप्स के, ये रोज़ हिप के अंदर जो है इसका ये बीज है और साथ में आपको दिख रहे होंगे रेशे। तो गुलाब के अंदर भी काटे हैं और गुलाब के बाहर भी काटे हैं, फिर भी कितनी खूबसूरती है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। अब हमने इन बीजों को इस तरह से एक पॉलीथीन के अंदर डाल लिया है। ये एक जिप बैग है, इसके अंदर मैंने इसे डाल लिया है। अब मैं इसे क्या करूँगी, इस मूसल की हेल्प से तोड़ दूँगी। इसके तोड़ने से जो रेशे हैं वो हमारे हाथों में नहीं लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एक जो रेशा है ना ये मेरे हाथ में गड़ गया है। अब बड़ा ये कांटे की तरह फील हो रहा है, एकदम छोटा सा कांटा किसी ने गड़ा दिया हो। इन बीजों को हमें अच्छे से कूट के दानेदार फॉर्म में लेकर आना है। अच्छे से इसे हमें कूट देना है, पीस लेना है, जिससे कि ये छोटे छोटे दाने के फॉर्म में बन जाए। तो अब हमारे जो बीज हैं वो अच्छे से पिस कर दानेदार फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हम आगे की स्टेप शुरू करते हैं। अब हमें इस तरह से कांच की बॉटल ले लेनी है और अपना कैरियर ऑयल उसमें डाल लेना है। आप कैरियर ऑयल में कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सेज़मे ऑयल या नारियल का तेल, जो भी आपको ईजीली मिल जाए आप उसे यूज़ कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम इसमें पिसे हुए जो हमने बीज रोज़ हिप ऑयल को हमने कूट के जो बीजों को पीसा था दानेदार फॉर्म में, उसे हमें इस ऑयल में मिला देना है। बस अब ये ऑयल जो है आपको लगभग 3 हफ्ते 21 दिन के लिए आप रख दीजिए अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अपने घर के अंदर और आपका रोज़ हिप ऑयल तैयार है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।